पश्चिम बंगाल राज्य पर्यटन विभागको सौजन्य तथा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको आयोजनामा आगामी 30 अनि 31 जनवरीको दिन कालिम्पोङ टाउन हलमा दुई दिवसीय पर्यटन उत्सव आयोजित गरिएको छ। यसलाई लिएर आज कालिम्पोङमा जिटिएको पक्षबाट एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकेर विस्तृत जानकारी दिएको छ। नमस्कार सबैजनालाई, म टुरिज्म विभाग जिटिएको टुरिज्म विभागको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर र हामीले 30 र 31 तारिक आधिकारिक रूपमा र टुरिज्म फेस्टिभल गर्न गइरहेको छौँ। यो आधिकारिक रूपमा धेरै वर्ष बाद हुँदैछ र हामीले योपालि चाहिँ आउटडोर गर्दैनौँ, हामी टाउन हलमा नै गर्नेछौँ। कारण यो फेरि हाम्रो फेब्रुअरी फर्स्ट विकमा नानीहरूको परीक्षाहरू सुरु हुन्छ, त्यसै कारण हामीले यो इन्डोर गर्ने हामी प्रयत्न गरिरहेको छौँ र 30 र 31 हाम्रो हुँदैछ। र मेन हाम्रो मूल उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि, कालिम्पोङलाई हामीले चिनाउने, कालिम्पोङको टुरिस्ट स्पट, कालिम्पोङ एज अ टुरिस्ट स्पट, पर्यटन स्थल, त्यसलाई चिनाउने चाहिँ हामीले कोसिस हाम्रो गरेको छौँ जिटिएले। र दुई दिनको प्रोग्राममा हामीले तिन भागमा हामीले छुटाएको छौँ। एउटा चाहिँ भयो स्टेज प्रोग्राम हुन्छ, स्टेज प्रोग्राममा हाम्रा आइएनसी इन्फर्मेसन एन्ड कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट उहाँले नै दायित्व लिनुभएको छ। हामीले यहाँको जति पनि संस्कृति छ त्यो हामी जगाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। र स्टेजको बाहिर जुन चाहिँ टाउनहरूको जो परिधिभित्र हामीले आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्सको डिस्प्लेहरू, फोटोग्राफी डिस्प्ले, बिटुबी मतलब बिजनेस बिजनेस, हामीले कन्फरेन्सेसहरू, सिट एन्ड ड्र कम्पिटिसन, एउटा थिम लिएर सिट एन्ड ड्र कम्पिटिसन, ट्रेडिसनल फुड, त्यो कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ। र तेस्रो अध्यायमा चाहिँ हामीले तपाईँको जति पनि इन्डियाबाट, भारतबाट, पश्चिम बङ्गालबाट जति पनि टुरिज्मको स्टेक होल्डर्स हुनुहुन्छ, ठुल्ठुलो तपाईँको टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सहरू, एसोसिएसन्सहरू, उहाँहरूलाई बोलाउँछौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामी कालिम्पोङको टुर गराउँछौँ, कालिम्पोङ टाउन, कालिम्पोङ यो हाम्रो रुरल जग्गाहरूतिर हामी उहाँहरूलाई टुर गराउँछौँ, ताकि उहाँहरूले चाहिँ सुनोस्, जानोस्, देखोस् हाम्रो कति चाहिँ हाम्रो पर्यटन स्थलहरू, गुणस्तरीय पर्यटन स्थलहरू छ, सिक्किमभन्दा पनि राम्रो, दार्जिलिङभन्दा पनि राम्रो स्थलहरू छ, जो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चिनाउनु, बाहिर विदेशमा देशभरिमा हामी चिनाउनु सकेको छौँ, र योपालि चाहिँ हामी चिनाउने कोसिस गरिरहेको छौँ। आजको बैठकमा चाहिँ विशेष के विषयमा चाहिँ चर्चा, हामी जस्ट यो दुई दिने प्रोग्राममा र हामी मेन उद्देश्य लिएर हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। हामी कमिटीमा हाम्रो सिनोरा नाम्ची म्याडम उहाँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, त्यसरी नै हाम्रा एमएलए साहब दार्जिलिङ कालिम्पोङको एमएलए हाम्रो उहाँ एउटा हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ, चिफ सल्लाहकार, चिफ पेट्रोन हुनुहुन्छ, त्यसरी नै जति पनि सभासदहरू हुनुहुन्छ, छेउछाउको सभासदहरू उहाँहरू हाम्रा सदस्य, कमिटीको सदस्य हुन्, र हाम्रो एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर अफ टुरिज्म जिटिएका सत्यप्रकाश छेत्री, उहाँ हामी उहाँलाई एज मेम्बर सेक्रेटरी चिन्हित गरेका छौँ, उहाँ र हामी आजदेखि नै उहाँ यहाँ कालिम्पोङमा बस्नुहुन्छ। बहुत बहुत धन्यवाद। TIA का बेसिक काम ये है कि पूरे इंडिया में जितने भी ट्रैवल से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो होटेलियर हो, टूर ऑपरेटर हो, टिकटिंग एजेंट हो, गाइड हो, किसी भी तरह से ट्रैवल से रिलेटेड अगर हैं, टैक्सी ओनर्स हैं, तो उन सबको अंडर वन प्लेटफॉर्म लेके आना, ताकि वो लोग सब एक साथ में मिल के एक दूसरे के साथ में और अच्छे से काम कर सकें एंड रिप्रेजेंटेशंस अच्छे से कर सकें, तब ताकि कभी भी कोई भी चीज़ के बारे में अगर डिस्कशन करना है तो डिस्कशन करने के लिए सफिशिएंट लोग हों जो एक दूसरे से मत मिला के, राय मिला के उस हिसाब से आगे बढ़ पाएँ। अभी आज कालिम्पोंग को लेके, कालिम्पोंग टूरिज्म फेस्टिवल, कालिम्पोंग विंटर फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, विच इज़ ऑन 30th and 31st January, वो एक बहुत अच्छा मूवमेंट है उसी तरफ, ताकि कालिम्पोंग के बारे में लोग और अच्छे से जानेंगे। अब ये उसी चीज़ को इंडिया के हर कोने में जो ट्रैवल एजेंट्स हैं,
जो यहाँ पे गेस्ट भेजेंगे उन तक पहुँचाने की जिम्मेवारी हम लोग लेंगे और हम लोग उन तक पहुँचाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जगह के बारे में पता चले एंड तभी गेस्ट यहाँ पे आएंगे, यहाँ की सुंदरता देख पाएंगे। अभी हम जब बात कर रहे हैं तब भी हम लोग काबरू नॉर्थ और काबरू साउथ बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं मेरे राइट साइड में, तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आ रहा है। अगर गेस्ट उस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे तभी वो जगह बढ़ेगी, उसी चीज़ में मदद करने हम लोग यहाँ पे आए हैं। मैं हूँ हेमंत अग्रवाल, टूरिज़्म इंडिया अलायंस के एग्जीक्यूटिव मेंबर के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ और कैलिंगपोंग विंटर फेस्टिवल को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। नमस्ते, मैं सिद्धांत सूद, प्रेसिडेंट होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ कैलिंपोंग बरा। अंत यो विंटर फेस्टिवल जो GTA डिपार्टमेंटले अर्गनाइज गर्दछ यसले मेजर ब्रेक थ्रू हो टूरिज्म को प्रमोशन को लगी। अंत होराक को मेन भूमिका से हमी पैन इंडिया बड़ा जति पनि ट्रैवल एजेंसी एसोसिएशन्स हो नेशनल लेवल को तिनीहरुलाई से हमी इन्वाइट गर्दछौं। अंत तिनीहरुलाई इन्वाइट गरेर यता फैम ट्रिप अर्गनाइज गर्छौं। अंत अपार्ट फ्रम दैट अब जस्तो या यो वर्ष चाहिँ हेलेना रोरेक को 100 इयर सेलिब्रेशन हो, एउटा रशियन हाम्रो जो पोएट्स हुनुहुन्थ्यो अंत पेंटर, सो रशियन पोएट्स को उनको सेलिब्रेशन हामीले हाइलाइट गर्नेछौँ। अपार्ट फ्रम द्याट अहिले चाहिँ कालिम्पोङलाई बेसिकली प्रमोसन चाहिँ पाएको थिएन, अन्त प्यान इन्डियामा चाहिँ अब जब सो हामीले अब यो ट्राभल एजेन्सी एसोसिएसन्स लिएर आउँछौँ, सो उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो जग्गा हेराएर उनीहरूले चाहिँ वान्स दे गो ब्याक हाम्रो जग्गामा चाहिँ के छ कस्तो छ त्यो ब्रिफिङ गर्छ आफ्नो मेम्बर्सलाई, अनि त्यसरी चाहिँ एउटा प्रमोसन हुन्छ। अपार्ट फ्रम द्याट हामीले ट्राभल म्यागजिन्स नेसनल लेभलको ट्राभ टकहरू जस्तो जो छ अन्त ट्राभल ब्लगर्स ट्राभल राइटर्स यिनीहरूलाई पनि बोलाउनेछौँ। सो हाम्रो होराको चाहिँ मेन भूमिका चाहिँ एउटा प्रमोसन कालिम्पोङलाई चाहिँ हाम्रो ट्राभल एन्ड टुर एन्ड ट्राभल जो स्टेक होल्डर्स छ उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो जग्गाको बारेमा बेसिकली एउटा जनाउनेछौँ। अन्त त्यसरी नै एउटा प्रमोसन हुन्छ थ्रु डिजिटल मिडिया अल्सो। सो यो चाहिँ होराको एउटा प्रमोसन छ। थ्याङ्क यू सो मच।